नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। और आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए जो मैच कवर करने जा रहे हैं वो मैच है दोस्तों CSA T20 कप का फाइनल मुकाबला। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस फाइनल मुकाबले में किस प्लेयर को आप कैप्टन बनाएं, किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाएं और किस प्लेयर को अपनी टीम से बाहर रख दें, ड्रॉप करने का रिस्क ले लें। ये सारी जानकारी आपको मैं वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो जो भी मेरा भाई इस मुकाबले में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, विन करना चाहता है, कुछ अर्न करना चाहता है, तो वीडियो को थोड़ा समय दे। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, आपको उसमें देखनी है पूरी, क्योंकि 10 से 12 मिनट आपके एक अच्छे खासे मैच को विन करवा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पर 7300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो आपको चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में चैनल का नेम मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। बात करूँ ये मैच होगा कहाँ पर, ये मैच होगा DBS डायमंड्स ओवल पर। दोनों टीम्स के प्रीव्यू के बारे में बात करूँ तो डॉल्फिन्स ने जो टूर्नामेंट को ख़त्म किया टॉप पोजीशन पर, ये पुल सी में थी, और यहाँ पे जो टीम थी नाइट्स, इसने भी टॉप पोजीशन पे फिनिश किया है टूर्नामेंट को, और ये पूल बी में थी। डॉल्फिन्स ने इस सीजन अपने 3 मैचेस खेले हैं, जिसमें से ये तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं, और नाइट्स ने भी अपने 3 मैचेस में 2 मैचेस जीते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि डॉल्फिन्स थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि विन करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वो अपने 3 के 3 मैच जीत के आ रहे हैं। इसके अलावा वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो फाइनल मैच में रेन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैच काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्ट करके आप चल सकते हैं। वेदर रिपोर्ट यानी विकेट की मैं बात करूँ तो एक वेटिंग फ्रेंडली विकेट है, T20 का फॉर्मेट है, तो आपको एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेसर्स यानी जो तेज गेंदबाज हैं उनको भी मदद देखने को मिलेगी, और स्पिनर्स भी यहाँ पर थोड़े बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर में बात करूँ तो 168 का है, जो कि काफ़ी शानदार है, 150 से ज़्यादा रन अगर T20 में बन जाते हैं तो मैच देखने का मजा ही अलग होता है। उसके अलावा जो भी टीम चेस करती है उसके 60% चांसेस रहते हैं मैच विन करने के, यानी कि 10 में से 6 बार। अब मैं आपको प्लेइंग 11 बता देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकती है। सेरल इरवी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कीगन पीटरसन, मार्कस एकरमैन, जोंदो, बेस्ट पर्सन जेसन स्मिथ, रेंदे स्वाट, डैरन डेवलपन, तेंदो नितिनी ओदेल, और यहाँ पे बाल्टमैन इंपॉर्टेंट बॉलर है बाल्टमैन। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे KTS के प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर मैं KTS की प्लेइंग 11 रुकिए लिख देता हूँ। नाइट्स की बात की जाए तो उनकी ओर से रिली रूसो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पीट विजॉन इंपॉर्टेंट रहेंगे, फरहान बहरुद्दीन इंपॉर्टेंट है, मैकेटू इंपॉर्टेंट रहेंगे, माइकल प्रेटोरियस इंपॉर्टेंट है, क्वाइटजी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ग्रोग्रे मक्लोवना है, रेंड विंटोंडर है, पैट्रिक करगर है, अल्फ्रेड मोतोहा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों टीम्स की टॉपिक्स की मैं बात करूं तो पहला नाम आएगा जेसन स्मिथ का, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं डॉल्फिन्स के लिए, टूर्नामेंट में 107 रन 3 विकेट इनके नाम है। डैरन की मैं बात करूं, ये भी एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, टूर्नामेंट में 9 विकेट इनके नाम है। प्रेटेरियस की बात की जाए तो एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, और टूर्नामेंट में 8 रन और 8 विकेट हैं इनके नाम। रिली रूसो की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, नाइट्स की ओर से खेलते हैं, टूर्नामेंट में 267 रन इनके नाम है। बात की जाए बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए क्या हैं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के, तो रिली रूसो ने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो आप इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको अपनी टीम में एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा प्रेटरस विजोन और यहाँ पे पार्सन्स आपके लिए जेल में पंट प्लेयर्स हो सकते हैं, तो आप इनको जेल में ज़रूर ट्राई करिएगा। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो 1 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का रहेगा, तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं अपने टीम में। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है डॉल्फिन्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस मैच को विन करने के। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको अभी तक वीडियो के अंदर जो भी मैंने जानकारियाँ दी होंगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा।
बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पर 7300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल का लिंक आपको कमेंट में दे रखा है, तो जाइएगा, जो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पर लिंक होगी वो मेरे चैनल की होगी, जिस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम मिल जाएगा, जिसको सर्च कर कर भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब चलते हैं ऐप की ओर, जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके सामने 2 से 3 ऑप्शन हैं, जिनमें से सेफ ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे आरडी शॉर्ट ही रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, टूर्नामेंट में पहले ही दिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आए हैं और फाइनल में तो इनकी टीम को इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी, तो इस मैच में भी इनके चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, तो इसी कारण से मैं इनको पिक कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर यहाँ पर जी रोयलोफसन अगर खेलते हैं तो आप इनको भी अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं, ये भी आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे या फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे, ये भी काफ़ी अटैकिंग प्लेयर है, आप इनको भी पिक करके चलना चाहें तो चल सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में रिली रूसो ने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसी कारण से सभी लोग इनको पिक करने वाले हैं। उसके अलावा आप चाहें तो इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कुछ भी नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा बहरहुद्दीन को पिक करेंगे, आप चाहें तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 के आसपास आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट बैटिंग ऑर्डर है, काफ़ी कम गेंदें खेलने को मिलेंगी और ऐसे समय में आएंगे जहां पर हिट करना होगा, अगर हिट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ फ्लॉप होकर भी जा सकते हैं। इसके अलावा मैं यहां पर आरवी को मैं पिक करूंगा, जो कि अपनी टीम के लिए ओपन करते हैं, और लास्ट पिक मेरे यहां पर के पेटरसन की रहेगी। तो अभी के लिए यहां पर मैं दोस्तों अपनी टीम से बहरहुद्दीन को ड्रॉप करने वाला हूं। मैं यहाँ पर 3 मेन बैट्समैन के साथ ही जाने वाला हूँ, रिली रूसो, एस सिर्वी और यहाँ पे के पेटरसन। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों आपके लिए जे स्मिथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एम प्रेटेरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जे साइनमैन अगर खेलें तो आग बंद करके पिक कर लेना, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हैं। उसके अलावा आपके यहाँ पे नीचे से बी पार्सन्स को आप भी अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तो यहाँ पर मैं बी पार्सन्स को पिक करूँगा। तो टोटल यहाँ पर मैं 4 मेन ऑलराउंडर्स के साथ जाने वाला हूँ। बॉलिंग सेक्शन में वो बार्टमैन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डुप्ले वेलोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और लास्ट भी गोइट्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा आप चाहें तो मोथाया को ले सकते हैं, अगर नितिनी को पिक करना है तो आप यहाँ पर पार्सन्स की जगह पर इनको नितिनी को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का मैंने टीम कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट किया। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स में डॉल्फिन के पिक करूँ, तो इसीलिए मैंने 7 प्लेयर इनकी टीम से पिक कर लिए और KTS की ओर से सिर्फ मैंने 4 प्लेयर्स को मौका दिया है। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स, 4 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है मेरा। टीम प्रीव्यू की मैं बात करूं तो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से आरडी शॉर्ट को रखा है, जो कि अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करेंगे और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। बैटिंग सेक्शन से मैंने रिली रूसो को रखा है, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया है, के पेटरसन को रखा है और यहाँ पर सिर्वी को रखा है, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से जे स्मिथ को रखा है, बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का, एम प्रिटोरियस एक और बेस्ट ऑप्शन कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का, जे साइनमैन डिफरेंशियल पिकेज ग्रान लीग के लिए कैप्टनसी की, तो ग्रान लीग में कैप्टन दे देना, क्योंकि ओपन करने आएगा और 2 से 3 ओवर की बॉलिंग भी करवा सकता है। बाकी बॉलिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पे डुप्ले वॉन को रखा है, वो बार्टमैन विकेट टेकर बॉलर है, कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रान लीग में फोकस रखिएगा आप इस पर, गोइट्जी को रखा है और यहाँ पर मैंने टी नितिनी को ट्राई किया है। अब देख लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन हम किसको बनाएंगे। तो अपनी दोस्तों मैं स्मॉल लीग की टीम में देखिए कैप्टन मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं एम प्रिटोरियस को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन काफ़ी लोग वो बार्टमैन को बनाएंगे, तो आप इनको भी बना सकते हैं, जो कि मुझे सेफ लगते हैं। बाकी उसके अलावा आप यहाँ पर चाहें तो रिली रूसो को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जो भी आपको दिल करे बना देना, लेकिन मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाने वाला अपनी स्मॉल लीग की टीम में। मेरी दोस्तों टीम सेव हो चुकी है, आप लोग हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लीजिए। तो ये दोस्तों मेरी हेड टू हेड टीम रहने वाली है और इसी टीम के साथ दोस्तों मैं स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, तो आप लोग हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लें और जहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो वहां पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को सेव कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरी हेड टू हेड टीम रहेगी, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लें और जहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो वहां पर जाकर आप इस टीम को सेव कर लें, ताकि जब लास्ट मिनट में मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट दूँ तो आपको अपनी टीम को एडिट और चेंज करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। अब बात कर लेते हैं अपने ग्रान लीग की टीम की, काफ़ी लोग कहते हैं ग्रान लीग की टीम नहीं बताते हैं, अब तो देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ग्रान लीग में देखिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर मैं अपनी टीम में शायद मैं बी पार्सन्स को जगह दे दूँ यहाँ पर क्वाइट्जी या फिर नितिनी की जगह पर, एक यही मैं ग्रान लीग में चेंज करूँगा और ग्रान लीग में मेरे जो कैप्टन वाइस कैप्टन और भी रिस्की रहेंगे,
मैं कैप्टन जे स्मिथ को बनाऊंगा वाइस कैप्टन, मैं यहाँ पे जे साइनमैन को बनाऊंगा और हो सकता है मैं इसको अपोजिट भी कर दूं। तो ये मेरी फुल रिस्की ग्रां लीग टीम रहने वाली है, एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट इसका भी प्रीव्यू ले लें, और जो भी भाई लोग ग्रां लीग खेल रहे हो वो जाकर एक बार ज़रूर मेरी इस टीम को ट्राई करिएगा ग्रां लीग में। तो ये मेरी टोटली ग्रां लीग की रिस्की टीम रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, और अगर ये चल जाती है तो एक अच्छे रैंक पर आएगी और एक आपको एक अच्छा अमाउंट भी देगी। तो आप लोग हमारे टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लें। बाकी स्मॉल की टीम मैंने आपको दिखाई दी है, ज़्यादा चेंजेस मुझे पसंद नहीं है किसी भी टीम में करना, तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सेव गया हूँ, नितिनी को पिक किया है मैंने यहाँ पे, और कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा सा मैंने चेंज यहाँ पर रखा है अपना। तो ये मेरे दोस्तों स्मॉल की टीम है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मैंने दोनों टीम्स में यहाँ पे डॉल्फिन्स के फेवर में टीम क्रिएट की है। तो ये मेरी स्मॉल की टीम है, आप लोग मेरी स्मॉल की टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लें, और ये मेरी ग्रां लीग की टीम है, एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट इसका भी प्रीव्यू ले लें। बाकी दोस्तों अगर मेरी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं खेलता है आफ्टर लाइनअप है टॉस के बाद, या जो मेरी फाइनल टीम होगी या फिर जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टैक्ट ज्वाइन करूँगा, वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको भी मिले, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में चैनल का नहीं मिल जाएगा, जिसको सर्च करके भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर ऑल पे प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में कोरोना मैच को कवर करते हुए, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैचेस हो जहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट हो ऑलवेज आप विन करें हमारे टीम मैनेजमेंट से हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।